हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, आज आपका भाई आने के लिए आया मोड़। उससे पहले मैं आपको एक सारी जिंदा वो रहता जिसमें कुछ करने की जज्बा हो। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग मॉर्फिम पढ़ने आए हैं और इस मॉर्फिम में हम लोग बहुत सारी चीज के अध्ययन करेंगे और प्रीवियस क्लास में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इंग्लिश ग्रामर का डेफिनेशन, डिवीजन ऑफ वर्ड जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे, एंशिएंट ग्रामर डिवीजन, मॉडर्न ग्रामर के अनुसार हम लोगों ने दो फॉर्म में यानी डिवीजन ऑफ वर्ड को दो भागों में बांटा था, जिसमें एक था फॉर्म क्लासेस और दूसरा था स्ट्रक्चर वर्ड। तो डियर फ्रेंड्स, अभी हम सबसे पहले जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका मॉर्फिम। आज हम मॉर्फिम पर डिस्कस करेंगे। शायद आप लोगों में से बहुत स्टूडेंट जानते होंगे मॉर्फिम क्या होता है और लॉट्स ऑफ स्टूडेंट जानते ही नहीं होंगे कि मॉर्फिम क्या है। शायद पहली बार आप लोग नाम भी सुने होंगे, क्योंकि मॉर्फिम पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि फॉर्म क्लास बताने से पहले हमको मॉर्फिम के बारे में बताना जरूरी था। तो चलिए आज हम लोग मॉर्फिम शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड्स, कम टू द पॉइंट, नाउ वी डिस्कस अबाउट मॉर्फिम। मॉर्फिम, अब हम लोग सबसे पहले मॉर्फिम का परिभाषा जानेंगे। जानते हैं बहुत सारे ग्रामर में मॉर्फिम को अफिक्स भी कहा जाता है, तो अफिक्स को भी याद रखिएगा, दोनों सेम ही है, दोनों का डेफिनेशन भी सेम है, अफिक्स। तो फर्स्ट वी नोट डेफिनेशन ऑफ मॉर्फिम और अफिक्स। राइट डाउन ए स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ स्पीच विच इज एडेड टू द बिगिनिंग मिडिल और लास्ट of a word and changed its meaning is called morphing। Difference, यहां morphing का definition है ए स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ स्पीच, यानी उच्चारित ध्वनि का वह सबसे अर्थपूर्ण इकाई जो किसी शब्द के शुरू में, मध्य में या अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देता है, तो उसे हम मॉर्फिम कहते हैं। यानी उच्चारित ध्वनि का वह सबसे छोटा इकाई, अर्थपूर्ण छोटा इकाई जो किसी शब्द के शुरू में, मध्य में या अंत में आकर उसके अर्थ को ही क्या करता है, बदल देता है, तो उसे मॉर्फिम कहते हैं। जैसे एग्जांपल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए, हम लिख रहे हैं हैप्पी। डियर फ्रेंड्स, हैप्पी, हैप्पी मींस क्या होता है, खुश। हैप्पी मींस होता है खुश। लेकिन जब इसी में मॉर्फिम लगता है, अन हम मॉर्फिम लगाए हैं अनहैप्पी, यहां अन क्या हो गया, हैप्पी जो एक शब्द है उसके शुरू में आया है और लगकर इसका अर्थ को बदल देता है। अनहैप्पी मींस होता है दुखी या नाखुश। तो अन जो यहां है उसी को हम कहते हैं मॉर्फिम। ओके, अब जैसे देखिए, किसी शब्द के मध्य में भी आता है, जैसे मेन, मेन मींस होता है एक आदमी, लेकिन जब यहीं बीच में ई आ जाता है मध्य में और इसके अर्थ को क्या कर दिया, बदल दिया, यहां ई हो गया मॉर्फिम। ओके, उसी तरह हम आपको जैसे बता रहे हैं हैप्पी, हैप्पी ही लिखते हैं, हैप्पी मींस खुश, लेकिन जब इसके अंत में हम नेस लगाते हैं तो हो जाता है हैप्पीनेस। यहां नेस जो है इस शब्द के अंत में आया और इसके अर्थ को भी बदला। देखिए, हैप्पी मींस होता है खुश और हैप्पीनेस मींस होता है खुशी, यानी अर्थ में परिवर्तन हो गया। यहां नेस क्या है, मॉर्फिम। आई होप मॉर्फिम आप समझ गए होंगे। अब हम लोग जानेंगे मॉर्फिम कितने प्रकार के होते हैं। तो लिखेंगे, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मॉर्फिम, और अफिक्स भी बोल सकते हैं, अफिक्स।
यानी मॉर्फिम जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रीफिक्स, दूसरा होता है सफिक्स और तीसरा होता है इनफिक्स। डियर फ्रेंड्स, प्रीफिक्स का अर्थ होता है उपसर्ग, सफिक्स का अर्थ होता है प्रत्यय और इनफिक्स का अर्थ होता है अंतःसर्ग। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोग हिंदी में उपसर्ग प्रत्यय जरूर पढ़ेंगे, लेकिन इंग्लिश में एक इनफिक्स आता है जिसको हम कहते हैं अंतःसर्ग, हम यहाँ पे इनफिक्स भी पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम इन तीनों को, प्रीफिक्स, सफिक्स और इनफिक्स को डिफाइन करते हैं और इसका एग्जाम्पल आप लोग के सामने देते हैं। तो इसको हम मिटाते हैं। अब आप लोग लिखेंगे पहला प्रीफिक्स। अब हम जानेंगे प्रीफिक्स, प्रीफिक्स किसको कहते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन है, ए मॉर्फीम व्हिच इज एडेड टू द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड इज कॉल्ड प्रीफिक्स। डियर फ्रेंड्स, वैसा मॉर्फिम जो किसी शब्द के शुरू में लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे अभी हम लिखे थे हैप्पी, हैप्पी के शुरू में हम अन लगाए, यहां अनहैप्पी हो गया, यहां अन क्या है, प्रीफिक्स है। जैसे हम लिखते हैं रेगुलर, इसके शुरू में हम इर लगाए, इररेगुलर, यहां इर क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया। इसका मतलब क्या, जो शब्द के शुरू में कोई मॉर्फिम अगर लगेगा तो उस मॉर्फिम को हम प्रीफिक्स कहेंगे। आई होप आप लोगों ने प्रीफिक्स को समझ लिए होंगे। ये हम लोग जब जब ग्रामर पढ़ेंगे तो ऐसा कुछ कुछ वर्ड आएंगे जहां हम प्रीफिक्स, सफिक्स, इनफिक्स का यूज करेंगे, तो उस समय आपको काम देगा। तो आप अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट आप ही लोग के लिए कमेंट कर सकते हैं। चलिए आप प्रीफिक्स के बाद हम लोग दूसरा जानेंगे और वो है सफिक्स। डियर फ्रेंड्स, सफिक्स का भी डेफिनेशन बहुत आसान है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं ए मॉर्फिम व्हिच इज एडेड टू द लास्ट ऑफ ए वर्ड, वर्ड इज कॉल्ड सफिक्स। डिफरेंस, वैसा मॉर्फिम जो किसी शब्द के अंत में लगता है उसे हम क्या कहते हैं, सफिक्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे हैप्पी नहीं लिखते हैं, हैप्पी के अंत में हम लगाते हैं नेस, तो हो जाता है ये हैप्पीनेस। यहां नेस जो है वो क्या है, सफिक्स है। जैसे हम लिखते हैं चाइल्ड, चाइल्ड के अंत में लगाते हैं हुड, चाइल्डहुड, यहां हुड क्या है, सफिक्स है। जैसे हम लिखते हैं बॉय, बॉय के अंत में लगाते हैं एस, तो हो जाता है बॉयज, यहां बॉयज क्या है, सफिक्स है। आई होप आप लोगों ने सफिक्स को अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। सिंपल है, अगर किसी शब्द के अंत में कोई मॉर्फिम लगता है और उसके अर्थ को बदल देता है तो हो जाता है सफिक्स। जैसे हैप्पीनेस में नेस लगा, हम जानते हैं हैप्पीनेस को, हैप्पीनेस में खुशी, चाइल्ड माने बच्चा, चाइल्डहुड माने बचपना, अन्य लड़का, बॉयज मीन्स लड़के, अर्थ बदल रहा है। तो यहां एस, होट और नेस ये सभी क्या है, सफिक्स है। ओके, अब चलिए लास्ट तीसरा पर हम डिस्कस करते हैं। तीसरा आपका है इनफिक्स। इनफिक्स देखिए, इनफिक्स का सिंपल सा डेफिनेशन है, इसको डिफाइन कर सकते हैं ए मॉर्फिम व्हिच इज एडेड टू द मिडिल ऑफ ए वर्ड इज कॉल्ड इनफिक्स। डियर फ्रेंड्स, यहां जो वैसा मॉर्फिम जो किसी शब्द के मध्य में ही लगता है उसका अर्थ को बदलता है तो उसको हम कहते हैं इनफिक्स, यानी किसी शब्द के मध्य में लगता है। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे इससे पहले भी समझाए थे, मेन, मेन के बीच मध्य में लगा ई, ये हो गया इनफिक्स। जैसे हम लिखते हैं तुत, तुत के मध्य में लगा डबल ई, तित, डबल ई जो है वो क्या है, इनफिक्स। ऐसे बहुत सारे शब्द आपको जब हम ग्रामर पढ़ाते जाएंगे तो आपको मिलेंगे। ओके, तो आज मैंने
क्या देखा, मॉर्फिम को मैंने जाना। मॉर्फिम के 3 पार्ट्स होते हैं, प्रीफिक्स, सफिक्स और इनफिक्स। इन सभी बातों को मैंने आज चर्चा की। ओके, आई होप आप लोग को मॉर्फिम में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में, मैं लास्ट में यही कहूंगा, कमेंट में आप लिख सकते हैं और फिर से मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में, यानी अगले क्लास में हम लोग अब डिवीजन ऑफ वर्ल्ड की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे फॉर्म क्लासेस और फॉर्म क्लासेस को अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, सी यू टुमारो, बाय।